अशोक के धम्म के क्या क्या आइडियाज थे, अशोक के धम्म के पिटफॉल्स क्या थे, क्रिटिसिज्म क्या था, क्या क्या किस तरह की आलोचना की जा सकती है, ठीक है, और उसके जिनके जो एडिक्ट थे उसमें क्या क्या आपको खास चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये चीजें जो है खासतौर पर क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है इस एडिक्ट पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं हम लोग को। बेसिकली हम जब अशोक की बात करते हैं तो कुछ बहुत प्रोमिनेंट चीजें हमको पता चलती हैं, ठीक है, कि जिस मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेडिशन है उसमें पूरी परंपरा रही है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्ट को सपोर्ट नहीं करते। आपके जो है आपको देखने को मिलता है कि आपको तीन जो मेजर रूलर थे, ठीक है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, तीनों अलग अलग पंथों को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने जैन मत अपनाया था, ठीक है। बिंदुसार जो है आजीविक के सपोर्टर थे और अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अशोक के बारे में जो हमको जानकारियां मालूम हासिल होते हैं वो काफी हद तक जो है बौद्ध ग्रंथों से प्रभावित है, जो एक पर्टिकुलर पिक्चर एक क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि अशोक पहले बहुत क्रूर था, उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं कैसे बौद्ध धर्म में संपर्क में आने के बाद वो कैसे उनका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ये पूरा एक नैरेटिव बनाया गया है, ठीक है। हमको नहीं पता कि इसमें से कितना ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि अशोक पहले बहुत क्रूर था, लेकिन हमको जो हिस्टोरिकल एविडेंस जो अशोक खुद अपने बारे में जो बताते हैं, जो आपको कलिंग युद्ध का रेफरेंस मिलता है, वो एक तरीके से एक पॉलिटिकल टेक्स्ट के रूप में मिल सकता है, जिसमें वो क्या कहते हैं डिनाउंसमेंट ऑफ वॉर करते हैं कि जहाँ पे वो युद्ध लड़ने से मना करते हैं। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा जो है काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अशोक ने कलिंग जीता उसने बोला कि इसके बाद मैं और कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, सवाल ये उठता है कि उसके पास जीतने के लिए बचा क्या था। लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पहले ही मौर्यों के अधिकार में था और ये वो समय है जबकि आपको जो है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाने में महीने लग जाते हैं। तो क्या एक राजा के लिए, एक शासक के लिए पॉसिबल है कि आप जो है इतने बड़े साम्राज्य को जो है अकेले शासन कर सको, उस पे या फिर आप रूल कर सको? तो कहीं ना कहीं एक टेरिटोरियल जो है लिमिटेशन सेट हो गई है कि आप कितना कितना बड़े राज्य पर शासन चला सकते हैं, ठीक है। तो आप जो डिनाउंसमेंट ऑफ वॉर है किस हद तक वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है, ये भी एक सवाल है जो अक्सर स्कॉलर्स पूछते हैं कि बुद्ध जो उन्होंने उनका धम्म का जो आइडिया है, उनका जो वॉर का डिनाउंसमेंट है, उन्होंने जो युद्ध लड़ने से मना किया, क्या वो एक राजनीतिक एक तरीके की प्रक्रिया थी जिसमें जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि अब और जीतने से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग राज्य है, जो अभी राज्य एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कल वाला क्वेश्चन पेपर सेशन देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आया है कि अशोक के जो राज्य का जो है वो सीमाएं कौन सी थी, मतलब कि जो है नॉर्थ में सीमा कहाँ थी, वेस्ट में कहाँ थी, ईस्ट में कहाँ थी, साउथ में कहाँ थी। तो ये क्वेश्चन आया है, ये पिछली बार जो है साउथ के कॉन्टेक्स्ट में आया, तो स्वर्णगिरी का पूछा गया कि स्वर्णगिरी है, ठीक है, ताम्रलिप्ति है, संपारा है, ठीक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कि उनके एरिया का जो है बाउंड्रीज कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो उनका बाउंड्री जो है आपको स्वर्णगिरी तक मिलता है जो आज कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, ये आपके लास्ट उसमें क्वेश्चन में आ चुका है। तो अब अशोक की जहां तक बात करें, अशोक का आपको रेफरेंस जैसे मैंने बोला कि आपको जो है जनरली बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो है बुद्धिज्म के बहुत बड़े जो है फॉलोअर सपोर्टर थे, ठीक है, फॉलोअर थे, ये एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलती है। अब आपको जो है बुद्ध के बारे में जानकारी चाहे वो आपको बुद्धिस्ट जो टेक्स्चुअल सोर्सेज से मिले, चाहे वो आपको श्रीलंका में जो दो मेजर दीपवंश और महावंश मिलते हैं, आपको अशोक वदन मिलता है, ठीक है, अवदान लिटरेचर उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्लस आपको जो है ब्राह्मी के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि वन ऑफ द रेयर इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको फर्स्ट पर्सन में भी मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा थर्ड पर्सन में, इंस्क्रिप्शन जनरली लिखवाए जाते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखवाए जाते हैं, फलाना व्यक्ति ने यहाँ पर जो है इसकी स्थिति स्थापना की, ये होते हैं इंस्क्रिप्शन। अशोक जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन वन ऑफ द रेयर इंस्क्रिप्शन है जिसमें वो कई जगहों पर मैं करने लगता है, मैं अहम देवनाम पी दसी लाजन, ठीक है। तो ये तीन आपको एपिथेट अशोक के मिलते हैं, देवनाम पी दसी लाजन, ठीक है, मतलब देवों के प्रिय प्रियदर्शी और राजा,
ये तीन आपको मेजर कॉन्टेक्ट इन उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम अशोक के जीवन काल की बात करें तो कहा जाता है कि 304 ईसा पूर्व में उन्होंने जो है उनका जन्म हुआ, 268 से 232 तक ने शासन किया। ये अब इसमें क्या है, माना जाता है कि करीबन 4-5 साल ऐसे रहे होंगे जब अशोक जो है वो क्या कहते हैं टेम्परेरी रूलर था। ठीक है, उनका अभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व में। ठीक है, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो आपको कई साल ऐसे दिखते हैं बीच के जहां पर जो है एक स्ट्रगल चल रहा था पावर के लिए, क्योंकि अशोक सबसे बड़ा तो था नहीं, ना ही को सबसे ज्यादा चाहता था। तो उसको सत्ता में आने के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने बहुत सारे भाइयों की जो है लगभग सभी भाइयों की हत्या कर दी थी, इसलिए उनको चंड अशोक कहा जाता था। तो पहले जो आपको टेक्स्ट में रेफरेंस मिलता है उनको चंड अशोक मिलता है कि चंड अशोक का टॉर्चर रूम रखता था, लोगों को जो शोषित करता था। ठीक है, बाद में धम्म अशोक बन गए। 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका शासन रहा। ठीक है जी, कलिंग जो है उनका एक तरीके से उनका लास्ट आपको एरिया दिखता है जहां पे उन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया। ठीक है, प्लस जो उनका राज्य था उसके अलावा भी आपको कई सारे ऐसे इलाके मिलते हैं जहां पे उनका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि श्रीलंका में। ठीक है, या फिर फारिस्ट में। तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान था अशोक का। ठीक है, तो माना जाता है कि अशोक ने जो है बहुत सारे जो है अपने उनको भेजा, लोगों को भेजा कि उन लोगों को भेजा कि ताकि आप बौद्ध धर्मों की अलग अलग जगह पे स्थापना करवा सको। ठीक है, और यही चीज आपको बौद्ध धर्म में मेजरली देखने को मिलती है। राइट, तो उन्होंने कहा जाता है कि वो जो है पहले गवर्नर थे, उन क्या कहते जब बिंदुसार रूलर थे तब वो गवर्नर थे, और उन्होंने उज्जैन में जो है एक जो वो हो गया था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको खत्म कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। अगला जो क्या कहते हैं आपको रेफरेंस मिलता है वो ये मिलता है कि अशोक ने जब शासन करना शुरू किया उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 268 में उन्होंने जो है शासन किया, 261 में 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक के एडिक्ट कौन से एडिक्ट में आपको रेफरेंस मिलता है कलिंग के युद्ध का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे 13th रॉक एडिक्ट। ठीक है, 13वें रॉक एडिक्ट में आपको रेफरेंस मिलेगा, गवर्नर थे वो उज्जैन के। ठीक है, और प्रमुख योद्धा थे। ठीक है, लेकिन बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा सुष्म जी, ये 13वें अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है सर? देखिए, कोई भी अभिलेख जो है एक जगह से प्राप्त नहीं होता, जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बोला था कि क्या कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं है, मुश्किल से ऐसे कोई इंस्क्रिप्शन होंगे जो एक ही जगह पे जिसमें से एक ही इंस्क्रिप्शन मिलता हो। ठीक है, आपको सीरीज ऑफ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, आपको जहाँ पे मिलते हैं ज्यादातर जगहों पे आपको 13 के 13 लिखे हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये एक चीज है जो क्या कहते हैं कि हमको अलग अलग जगहों पे पिलर्स इंस्क्रिप्शन स्टोन रॉक एडिक्ट मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। कुछ में आपको 4 मिलेंगे, कुछ में आपको 5 मिलेंगे, कुछ में आपको 13 के 13 मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंस्क्रिप्शन अकेले आपको मिलेगा, एक अकेला इंस्क्रिप्शन जनरली नहीं मिलता है अशोक के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब इस तरह की बात है। ठीक है, ये जो कालसी है या जूनागढ़ अभिलेख, इन अभिलेखों में सेम कंटेंट है? तो ये देखो, जूनागढ़ तो बहुत, ये कालसी है, जूनागढ़ है, ये सब बहुत प्रोमिनेंट है। ये तो आपको जूनागढ़ का अभिलेख मैंने आपको बताया भी था कि ये जो अशोक ने खुदवाए थे उसके बाद वो इतना प्रोमिनेंट था कि उसी पे आगे हजारों सालों तक चलते चलते जो है उन स्ट्रक्चर पे आगे बाकी के राजा भी जो है अपने अभिलेख खुदवा रहे थे। ठीक है, राजा रुद्रदमन उसी में करवा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको जो है कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अशोक के जिसमें जहांगीर तक ने अपने इंस्क्रिप्शन खुदवा रखे हैं। तो बहुत, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि अगर आपको एक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है तो एक जगह पे मिल रहा है, आपको हर जगह पे लगभग सारे जगहों पे जो है सीरीज ऑफ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक इंस्क्रिप्शन एक जगह पे नहीं मिलता। ठीक है, तो कलसी में मिलेगा, जूनागढ़ में मिलेगा आपको, जहां भी क्या कहते हैं जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं। ठीक है, अशोकन उसे, और बेसिकली ये भी एक सवाल उठता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन कहाँ पे खुदवाए गए हैं। ठीक है, ये एक बहुत मेजर सवाल इसे पूछा जाता है क्योंकि
अक्सर ये देखा गया है कि अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ऐसी जगहों पर रखे गए हैं जो कि या तो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, या फिर वो रिलीजियस या पॉलिटिकल सेंटर है। अब वो उसका उसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अगर आप ये भी देखें, दिल्ली में दो जगह पे हैं लेकिन वो ओरिजिनली वहां पे सिचुएटेड नहीं है, यमुना नगर से लाए गए हैं। ये जगहें ऐसी जगहें हैं जो कि या तो किसी ट्रेड रूट में आता है या तो पिलग्रिमेज रूट में आता है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ से लोग अक्सर गुजरते रहते हैं, और लोग गुजरेंगे तो मतलब इसकी हमेशा विजिबिलिटी बनी रहेगी, इसको हमेशा देखा जाता रहेगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है कि आपने अभिलेख तो खुदवा दिए, लेकिन सवाल ये है कितने लोग उस टाइम पे अभिलेख पढ़ सकते थे, कुछ भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है, और इसलिए माना जाता है कि हो सकता है कि इन अभिलेखों को जो टेक्स्ट है इसको जो है क्या कहते हैं इसको ढोल पिट के जो है इसका ऐलान करवाया जाता रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक हमेशा एक ओरल ट्रेडिशन रहा है। इस पे उपेंद्र सिंह का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें वो अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करती है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, उपेंद्र सिंह इस पे एक पूरा आर्टिकल लिखा था कि अगर आप देखें कई सारे तो ऐसी इतने ऊपर लिखे गए हैं कि वो आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो इंस्क्रिप्शन सिर्फ इंस्क्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो एक ढांचे पे बनाए गए, वो एक पत्थर पे बनाए गए या फिर एक पिलर पे बनाया गया है। वो पिलर या फिर वो जो पत्थर है वो अपने आप में जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे थे बिंदुसार की। बिंदुसार का हमने बोला कि बिंदुसार जो है उनको अपने जो बड़े बड़े सुषमा है उनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक जो है उन्होंने जो है सत्ता पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अशोक के जो मिनिस्टर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने शासन कर लिया। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत क्रूर शासक थे, बहुत खराब व्यवहार करते थे, और उन्होंने जो है टॉर्चर चैम्बर बना रखा था जिसमें जो है वो क्या कहते हैं अपने जो लोगों को जो है जो भी उनके खिलाफ जाता था उनको जो है टॉर्चर किया करते थे और मार मार देते थे। इससे उनको जो है चंड अशोक कहा गया है। ठीक है, बाद में उनको जो है धम्म अशोक कहा गया जब वो उन्होंने जो है कलिंग के युद्ध के बाद अपना पूरा बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है कि करीबन 4 साल का उनका सेशन रहा, 265 से 261 के बीच उन्होंने जो है युद्ध लड़ना शुरू किया। ठीक है, 261 में उन्होंने जो है 13वां रॉक एडिक्ट का वो देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज अपने आप में एक चीज एक आइडिया ये है कि कलिंग युद्ध के तुरंत बाद उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, इसके बीच में भी आपको 3 साल का गैप देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या था कि ये वो समय था जब वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पे वो अपने आप को जो है कह रहे थे कि हम बिजू घोष नहीं करेंगे, हम धम्म घोष करेंगे। यहाँ दो शब्द आते हैं, बिजी घोष और धम्म घोष, मतलब विजय नहीं प्राप्त करेंगे, विजय का घोष नहीं करेंगे, हम धम्म का धर्म का घोष करेंगे। ठीक है, अब स्कॉलर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर धम्म था क्या? ठीक है, अशोक का धम्म क्या था? क्या वो बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड था? क्या एक्चुअली बौद्ध धर्म जो धम्म था वो एक मॉरल कोड था? ठीक है, या क्या वो एक पॉलिटिकल डिवाइस था? क्या वो एक एथिकल कोड था? कितने किस हद तक जो है बुद्ध का धम्म सक्सेसफुल रहा? क्या बुद्ध का धम्म वैसा ही था जैसा कि अकबर का दीन इलाही था? ठीक है, कि जहाँ पे आप देखते हो कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, जो एक अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहा है, लेजिटमाइज करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपको अलग अलग डेट मिलती हैं, कुछ लोग कहते हैं वो 258 में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, कुछ कहते हैं कि 263 में हुए। ठीक है, ये आपको जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते रहेंगे डेट में। ठीक है, और ये डेट बेसिकली आधारित है किस पे, कि आप लोग भगवान बुद्ध का जन्म किस आधार पर मानते हो, किस ईयर को जो है बुद्ध का जन्म माना जाता है। क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म के 212 वर्ष बाद जो है अशोक का जन्म हुआ, अशोक का राजा बना था। तो बुद्ध की मृत्यु के जो महापरिनिर्वाण के 212 साल में, तो उस हिसाब से जो है डेट किया जाता है अशोक के टाइम पीरियड को। ठीक है, नाउ हमने आपको बताया था कि क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के जो है अलग अलग जो है काउंसिल्स होते थे। ठीक है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो काल अशोक के द्वारा किया था, शिशुनाग डायनेस्टी के, तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो
अशोक द्वारा करवाया गया है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको एक रेफरेंस मिलता है एक स्कॉलर का, मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। तो वो माना जाते हैं कि वो इनके जो है गुरु थे बौद्ध धर्म में, और उन्होंने जो है उन्हीं के अंडर जो है सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए, पहला मोगलीपुत्र पहला तिस्सा, ठीक है। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है, अजात शत्रु ने। और क्या कहते हैं दूसरा जो, क्या कहते हैं दूसरा जो करवाया था वो काल अशोक ने करवाया था। काल अशोक, अशोक मैंने आपको हमेशा बोला कि अशोक और काल अशोक में कंफ्यूज नहीं होना है। काल अशोक जो है शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, ये एक मेजर एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। काल अशोक ने करवाया था। और जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक के काल पीरियड में हुआ था, ठीक है। चौथा आपको पता है कनिष्क के काल में हुआ है। तो ये चार आपको बुद्धिस्ट काउंसिल मिलते हैं। कभी भी पूछ सकते हैं कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि क्या कहते हैं कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किनके अंडर हुआ था, ठीक है, किसने उसको पैटर्न दिया था, राइट। तो ये आपको जो है तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के काल में देखने को मिलता है। और अगर आप देखें जो अशोक इंस्क्रिप्शन है, ये वो समय था जब बौद्ध धर्म में जो है आपको अलग अलग जो है मत देखने को मिले, सेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कई सारे ऐसे सेक्ट थे, स्ट्रोन माध्यमिका स्कूल डेवलप हो रहा था, योगाचार्य स्कूल डेवलप हो रहा था, ठीक है, जो इवेंचुअली आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो वो वाला जो डिविजन है महायान और हीनयान वाला डिविजन डेवलप होने लग गया था। तो एक बुद्ध जो अशोक का एडिक्ट है उसमें, उसको कहते हैं स्किज्म एडिक्ट। स्किज्म का मतलब होता है विभाजन, ठीक है। तो उसमें वो जो है इस चीज से बात करते हैं कि जो बौद्ध मठ है उसमें जो भी जो है विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब ये था कि अशोक जो है बहुत घनिष्ठता से जो है बौद्ध उनसे जुड़े हुए थे, बुद्धिज्म से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये एक आपको एक प्रोमिनेंट चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में तीसरा प्रेसिडेंसी उन्होंने करवाया था, जिसमें जो है बहुत स्ट्रांगली जो है ये डिवीजन असर्ट हुआ था। स्किज्म का जो डिवीजन है बौद्ध धर्म में ये असर्ट होना शुरू हो गया था, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। अगली जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो ये है कि अशोक का धम्म, अशोक ने अपना धर्म का विकास किया। अशोक का धर्म जो है वो बहुत सारे मेन मेन चीजों पर आधारित है, वो कोई एक चीज नहीं है। कई इसलिए माना जाता है कि वो एक तरीके से मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। उसमें आपको थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखेगा, उसमें आपको राजनीतिक प्रभाव भी दिखेगा, आपको उसमें मॉरल कोड भी दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली अशोक ने क्या क्या किया अपने धम्म के अंदर। धम्म बेसिकली आपको पता है प्राकृत शब्द है धर्म के लिए, ठीक है। धर्म जो शब्द है इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। टेक्निकली धर्म जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है, कहते हैं धरी धातु, जो उसका मूल शब्द है वो है धरी। धरी का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। जिस चीज को आप धारण करते हैं उसको धरी कहते हैं। वेदों में जब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे तो हमने एक शब्द की बात की थी ऋत, ठीक है। हमने बात की थी कि जो वरुण है और मित्र हैं वो ऋत के देवता हैं। ऋत का मतलब होता है रीति, संसार कैसे चलेगा। धर्म बेसिकली वो है जिसको हम धारण करते हैं अपने अंदर, ठीक है, या फिर हम जिसका जो है जिसके बोझ से धरती टिकी हुई है, ठीक है। और यही जो आइडिया है ये आपको अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आपको बुद्धिज्म में पता है कि बुद्धिज्म में जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तनाय, ठीक है, कि धर्म चक्र में परिवर्तन हो गया। तो अशोक जो अशोक का आपको चक्र देखने को मिलता है, अशोक चक्र, हमने आपको बताया कि अशोक चक्र बुनियादी तौर पे जो है धम्म चक्र है, ठीक है, धर्म का चक्र है, ठीक है। तो ये एक प्रोमिनेंट चीज है कि धर्म जो है एक कोड है, एक कोड ऑफ आइडियाज है, एक मॉरल नोशन है जिसके अनुसार दुनिया चलती है और जिसके बूते दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बात है वो रिलीजियस डॉगमा से ज्यादा मॉरल कोड है, ठीक है, एक एथिक कोड ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, जो अशोक का जो धम्म का विचार है, पहली चीज ये है कि वो पैटर्नल किंगशिप के आइडिया पर आधारित है। पैटर्नल किंगशिप का आइडिया क्या होता है, इसमें आप ये मानते हो कि जो राजा है वो पिता समान है। आपको पता है हमेशा एक आइडिया ये रहता है कि राजा जो है वो ईश्वर का जो है भेजा हुआ मैसेंजर एक तरीके से धरती पे, ठीक है। इस कारण से, इस विचार से
बहुत सारे अलग अलग विचार जो हैं हमारे जो एंशंट इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें देखने को मिलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा ज्यादातर जो राजा महाराजाओं के जो महल होते हैं वो किलों पे होते हैं, वो जो है ऊंचे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तो एक रीजन है कि सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है, एक सांकेतिक अर्थ भी होता है। ठीक है, हमारे जो कल्चर है उसमें एक ट्रेडिशन है मेरू का। मेरू का मतलब बेसिकली होता है पहाड़। ठीक है, पहाड़ को माना जाता है कि वो जमीन और आसमान को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह जब आप उस पे सिचुएट हो जाते हो तो राजा जो है वो इंसान और भगवान के बीच का मध्यस्थ है, मीडिएटर है। ठीक है, इंसान और भगवान के बीच की कड़ी जो है वो राजा है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि राजा जो है वो एक पिता समान है। तो जैसे पिता अपने बच्चों की केयर करता है, ठीक है, उन पर बेसिकली वो डोमिनेट करता है, तो बेसिकली आपका अधिकार अपने बच्चों पर जैसे होता है वैसा ही राजा का अपने अपने सब्जेक्ट्स पर होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि एक राजा का ये फर्ज बनता है कि वो अपने जो लोग हैं उनके वेलफेयर की बात करे, और ये जनता का फर्ज बनता है कि वो उनकी जो है ऑर्डर को माने। ठीक है, तो ये एक चीज है, और यही एक कारण है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको खुदवाया, उनको बनवाया गया। अशोक के अभिलेख बनाने का एक मेजर रीजन था, उसको कहते हैं पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी, और ये अशोकन इंस्क्रिप्शन में काफी हद तक मेंशन है कि वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, जो आगे की पीढ़ी है वो इसको पढ़ेगी तो उसको बेसिकली उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये आइडिया जो है पैटर्नल किंगशिप और पोस्टेरिटी के लिए जो विचार दिया गया है ये गिलगमेश से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, गिलगमेश आपको पता होगा, गिलगमेश और हमुराबी। गिलगमेश एपिक जो है मेसोपोटामिया का एक बहुत प्रोमिनेंट एपिक माना जाता है, जिसमें गिलगमेश नाम का एक राजा है जो कि है तो वैसे करके ऐतिहासिक राजा, लेकिन वो अपने आप को भगवान के समकक्ष समझने का प्रयास करता है, वो अपने आप को भगवान से जोड़ के देखता है। तो कई सारी माइथोलॉजी उसने डेवलप की है। तो गिलगमेश एपिक वन ऑफ द अर्लीस्ट आपको इस तरह का नैरेटिव दिखता है, जिसके बाद करीबन 1800 ईसा पूर्व में आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉ कोड देखने को मिलता है। हामुराबी कोड कहते हैं इसको, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि इन चीजों से क्या जो पैटर्नल किंगशिप का आइडिया है, जो रूलिंग क्लासेस का आइडिया है, क्या इन चीजों से प्रभावित होकर अशोकन इंस्क्रिप्शन वो किया गया? ठीक है, इस थ्योरी, ये जो सेट ऑफ थ्योरीज हैं इसमें जो है आप पश्चिम से इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको कहते हैं डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी। ठीक है, डिफ्यूजन थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी होता है इंडिजीनियस थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी ये कहता है कि आपने जो किया है ओरिजिनल आइडिया कुछ नहीं होता, आपने जो है कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं सारे आइडियाज। ठीक है, तो ये आइडिया भी बाहर से इन्फ्लुएंस है। कई सारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो इन चीजों को मानते थे, बीएस में टाइप के। ठीक है, वो ये मानते थे कि ये एकेमेनिड इन्फ्लुएंस होगा, ग्रीक इन्फ्लुएंस होगा, हर चीज में जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस और एकेमेनिड इन्फ्लुएंस ढूंढने का प्रयास करते थे। दूसरा जो आइडिया है वो है इंडिजीनियस का। ठीक है, जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो आर एस शर्मा हो, चाहे वो रोमिला थापर हो, ठीक है, ये लोग बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। ठीक है, उनका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, एक सांस्कृतिक परिवेश हो सकता है। पहली चीज तो ये है कि अशोक जो है वो बात करते हैं अपने क्या कहते हैं वेलफेयर, और ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये आइडिया जो है कुछ स्कॉलर्स का दिया हुआ है कि वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है और जो इंडियन थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पैटर्नल किनशिप का जो आइडिया है इससे एक और चीज निकल के आती है, पता नहीं आपको आइडिया पता है कि नहीं, उसको कहते हैं ययाति कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ययाति कॉम्प्लेक्स। ययाति कॉम्प्लेक्स का आइडिया जो है महाभारत से आया है। आपने एक स्कॉलर का नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का जो एक थ्योरी है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का। ओडिपस की कहानी अगर आपको पता, ओडिपस जो है तो उसके बेसिक पे बेसिकली उसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया था कि एक फादर सन जो है वो मदर के लिए कम्पीट करते हैं, और उसमें जो है सन की जीत होती है, माँ जो है अपने बेटे से ज्यादा अटैच होती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया कि इसका उल्टा होता है, हमेशा फादर जो है इट विल बी प्रोमिनेंट। ठीक है, तो याति का इन्फ्लुएंस देते हैं, याति जो है वो जवान होने की कोशिश करते हैं, और जो जवान उनको होने में यदु उनको हेल्प नहीं करते तो उनको शाप मिल जाता है, और पूर्व उनकी हेल्प करते हैं तो उनको जो है राजा बना देते हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि इंडिया में जो है फादर फिगर, ठीक है, फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्नल किनशिप का आइडिया इससे काफी हद तक आपको देखने को मिलता है कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज
इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक, क्योंकि ग्रीक का आइडिया ही बिल्कुल अलग है, ऑडिपस वाला आइडिया और याती कॉम्प्लेक्स का आइडिया बिल्कुल जुदा जुदा है, राइट। तो ये पटेल किंगशिप का आइडिया दिया गया। तो अपने अशोकन एडिक्ट में अगर आप देखें, खास तौर पे आपको ये आइडिया देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि राजा का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने टीचर का सम्मान करो, अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, इंसान या जानवरों के प्रति की बात करते हैं कि जानवरों के प्रति आप जो है थोड़ा सा आदर दिखाएं, हिंसा ना करें, ठीक है। ये सारे आपको जो है रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखो, ठीक है। ये जरूर है कि वो हिंदुइज्म को बुद्धिज्म को काफी सपोर्ट करते हैं, और वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ ये थ्योरी में आइडिया दे रहे हैं, वो इसको वो चाहते हैं कि लोग इसको माने भी, लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करें। यही कारण है कि उन्होंने एक नए कुछ अधिकारी तैनात किए जिनको कहते हैं धम्म महामात्य। हमने आपको बताया था अमात्य जो है वो एक तरीके से प्रोविंशियल जो क्या कहते हैं एक मेजर ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है। तो अमात्य जो है महामात्य जो है धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने एक अलग से स्पेशल एक कुछ ऑफिसर बनाए थे जिनको धम्म महामात्य करते कहा जाता था। इनका काम यह होता था कि वो जो है अलग अलग अपने इलाकों में जाएं और देखें कि धम्म का पालन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं। अगली जो उन्होंने चीज की वो ये की कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया। आपको पता है कि उन्होंने जो है लगभग हर इलाके में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो भेजे, लोग भेजे, ठीक है। अपने खुद के जो बेटे थे महेंद्र और उनकी जो बेटी थी संगमित्रा, वो गई थी श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। प्राकृत पाली ये आपको जो है आपको प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ कुछ ग्रीक में भी देखते हैं, कुछ अरामाइक में दिखते हैं, और जो स्क्रिप्ट है वो दो है मेजरली, ब्राह्मी और खरोस्ती, ठीक है। कुछ अरामाइक में भी मिलते हैं, ठीक है। तो तीन चार आपको मेजर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ब्राह्मी खरोस्ती अरामाइक ग्रीक, लैंग्वेज में आपको पाली प्राकृत या फिर ग्रीक अरामाइक, ठीक है। इस तरह के आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, और यही कारण है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को आसानी से डिसाइफर किया गया। जिस तरह भी डिसाइफर किया गया उसका एक रीजन यही था कि क्या कहते हैं कि कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट थे, एडिक्ट थे जो कि बाइलिंगुअल थे, ठीक है। खरोष्टी के कई सारे ऐसे थे जो बाइलिंगुअल हैं, बाइलिंगुअल होने मतलब दो दो लिपियों में लिखे गए हैं, तो जिनको एक लिपि आती थी उन्होंने दूसरी लिपि मिलाने का प्रयास किया। ये एक मेजर आपको तरीका दिखता है जिसके कारण जो है ब्राह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर किया गया, राइट। अब आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन किस तरह के देखने को मिलते हैं। आपको पता है अशोकन इंस्क्रिप्शन तीन चार तरह के हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, प्लस सेपरेट एडिक्ट जो कि आपको सेपरेटली देखने को मिलेंगे, राइट। तो मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट, ये मेजर आपको एडिक्ट के जो है ये आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं। जहां तक बात है रॉक एडिक्ट की, तो आपको बहुत सारे जो जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर जो जगहें थी वो किसी ना किसी ट्रेडिंग प्लेस पे थी या किसी धार्मिक जगहों पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अशोक के जो है आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म, वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ धम्मा और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का आपको मेजर तरीका यहाँ पर देखने को मिलता है। जहां तक अगर हम बात करें पिलर एडिक्ट की, तो कुल मिला के सात पिलर एडिक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सात पिलर एडिक्ट हैं, और जो ये पिलर एडिक्ट हैं ये इसमें हम लोग जब आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे मॉडर्न की, तब हमने बात किया था कि इनमें तीन चार आपको तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे, ठीक है। आपको इसमें जो है इन्वर्ट लोटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एबेकस जो है क्या कहते हैं आपको जैसे कमल को उल्टा करके जैसा बनाया जाता है, ठीक है। आपको एबेकस देखने को मिलता है, आपको कैपिटल देखने को मिलता है। कैपिटल में आपको मेजरली लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेकिन लाइन कैपिटल ही इकलौता कैपिटल नहीं है। आपको पता है कि इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो लाइन कैपिटल है, ठीक है। और ये आपको जगहें मिलेंगे सारनाथ में, लौड़िया नंदनगढ़ में, यहाँ रामपुरवा, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ से आपको जो हो क्या कहते हैं अलग अलग कैपिटल देखने को मिलेंगे। मेजर जो इम्पोर्टेंट जो आपको कैपिटल देखने को मिलता है वो है या तो बुल या तो लायन, ठीक है। बुल और लायन जो है दोनों विरिलिटी का प्रतीक है, दोनों जो है शौर्य का प्रतीक है, ठीक है। इस कारण से आपको क्या कहते हैं इनकी ये रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से
रॉयल अथॉरिटी के सिंबल। जहां तक बात है कि किस तरह के पत्थर प्रयोग में लाए जाते थे, तो दो तरह के पत्थर लाए जाते थे, व्हाइट सैंडस्टोन और कलर्ड सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट। ठीक है, तो व्हाइट सैंडस्टोन लाया जाता था मथुरा से और कलर्ड सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट लाया जाता था अमरावती। ठीक है, ज्यादातर जो स्टोन होते थे, ज्यादातर स्ट्रक्चर थे, वो मोनोलिथिक है। मतलब बेसिकली जो पिलर है वो मोनोलिथिक है, बाकी सारी चीजें उसमें जोड़ी जाती थी, चाहे वो अबेकस हो, कैपिटल हो, वो चीजें बाद में मिलाई जाती थी, लगाई जाती थी उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपको पत्थरों को काट के जो है अलग अलग पिलर बनाए गए, तो आपको बहुत अलग अलग साइट से पिलर एडिक्ट मिलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको साइट के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से साइट से जो है पिलर एडिक्ट देखने को मिले हैं। कुछ प्रोमिनेंट साइट है, कांधार में मिला है आपको, खैबर पख्तूनवा से मिला है, दिल्ली में मिला है, आपको पता है दिल्ली के जो यमुना नगर से लाया गया था। ठीक है, मैंने आपको कहानी भी बताई है उसकी, फिर वो शाह तुगलक लेकर आए थे उसको। ठीक है, उन्होंने पढ़वाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिला। आयरन पिलर एडिक्ट देखने को मिला है आपको, जो आज के टाइम पे कुतुब मीनार में है, वैशाली में मिलता है, चंपारण में मिलता है, सारनाथ में मिलता है, इलाहाबाद में मिलता है, अमरावती में मिलता है और सांची में मिलता है। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट साइट्स हैं जो आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, इनमें से कई सारी ऐसी साइट हैं जो 50 फीट लंबी थी और उनका वजन जो है 50 टन से भी ज्यादा था। एलिफेंट, लायन, व्हील, लोटस, ये सारे सिंबल जो है बुद्धिज्म के। मैंने आपको बताया था जब हाथी का सिंबल आता है तो वो जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, तो गज लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आता है। गज लक्ष्मी में गज कहते हैं, हाथी जो है एक तरह प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, लायन विरिलिटी का सिंबल है, चक्र जो है धम्म चक्र का सिंबल है। ठीक है, और लोटस जो है पद्म पाद का सिंबल है, जो क्या कहते हैं आपको जो है बहुत ही तत्व मिलते हैं। ठीक है, पद्म जो है जैसे, और लोटस की बहुत इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जापानीज बुद्धिज्म में एक नाम में हो रहेंगे की होकर के एक आइडिया मिलता है पद्म पुराण से, डायमंड सूत्र से। ठीक है, जो कि बेसिकली लोटस सूत्र से लिया गया, डायमंड लोटस सूत्र से लिया गया है, और वो बेसिकली आइडिया देता है कि जो जीवन है वो लोटस के फ्लावर जैसा है। अगर आपको पता हो कि जो जीवन, जो लोटस का फ्लावर है, वो एक ही टाइम पे फुल खिल के मुरझा सकता है, खिलता है मुरझा जाता है, खिलता है मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका सिंबल है, जीवन और मृत्यु का। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका अंतर लोटस जो है वो एक तरीके से जीवन और मृत्यु का, मतलब एक तरीके से इंसान की पूरी ह्यूमन लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है, कि जब वो खुलेगा तो जीवन है, वो बंद जाता है तो मृत्यु, इस तरह का आपको डिमार्केशन देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत फिलोसॉफिकल आइडिया आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। तो जहां तक बात करें हम अशोकन पिलर एडिक्ट की, तो उनका बेसिक आइडिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से पिलर एडिक्ट, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से पिलर एडिक्ट से आपको क्या रेफरेंस मिलता है, मेजर आपको क्या टॉपिक मिलता है। तो पहला पिलर एडिक्ट है, उसमें अशोक बताते हैं कि मैं जो है पिता समान हूँ और मैं जो है अपने लोगों की रक्षा करूंगा। ये जो आइडिया है पैटर्नल किंगशिप का, ये पिलर एडिक्ट वन में दर्ज किया गया है। सेकेंड पिलर एडिक्ट में अपने धम्म की बात करता है, ये धम्म जो है उसको कैसे परिपालन होना चाहिए, धर्म क्या है। ठीक है, और धर्म को किस तरीके से जो है समाज की बेहतरी के लिए अच्छा है। ठीक है, थर्ड उसमें ये बात करते हैं अहिंसा की, कि आप लोग जो है अहिंसा मत कीजिए, पाप मत कीजिए, ये गुस्सा मत कीजिए, घमंड छोड़ दीजिए, मतलब एक तरीके से मॉरल, एक तरीके से कोड एस्टैब्लिश करता है, मॉरल आइडिया देता है। ठीक है, जो चौथा है उसमें बेसिकली राजूकाज, मैंने आपको बताया था राजूकाज जो है वो प्रोविंशियल ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ठीक है, जिनका काम बेसिकली क्या कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना होता था। तो उसमें बेसिकली ये बात करते हैं कि राजूकाज को जो है कुछ खास टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि अगेन ये एक चीज मैंने से बोली कि ये पॉसिबल नहीं था कि ऑफिशियल जो है 24 घंटे अपना पूरा प्रोविंस देख सकें, क्योंकि इतना जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि हर कुछ सालों में जो है अपने पूरे प्रोविंस की जो है हालचाल लेने के लिए पूरा जो है उसका इंस्पेक्शन करना जरूरी है। ये आपको रेफरेंस मिलता है। पांचवा आपको जो पिलर एडिक्ट मिलता है, उसमें बेसिकली बोला गया है कि कुछ खास दिन जो है जानवरों को, पक्षियों को नहीं मारा जाना चाहिए, और ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, वो पौधों के लिए भी है। आपको ये देखने को मिलता है कि जो है अशोक ने ये भी लिस्ट बनाई थी कि क्या कहते हैं कुछ जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं उनको नहीं काटा जाना चाहिए, जैसे बोधि वृक्ष, बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये जो है बहुत पीपल का पेड़ है। ठीक है, कुछ खास पेड़ होते हैं जो क्या कहते हैं नहीं मारे जाने करने चाहिए। ठीक है, आपको जो है
गाय जैसे जानवर हैं, ठीक है, इनका संहार नहीं करना चाहिए, अहन्य उनको घोषित किया गया, ठीक है। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि जो रॉयल जंगल है, जो शाही जंगल है, उनमें सिवाय राजा के कोई किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि ताकि बेसिकली इलीगल इंक्रोचमेंट रोकने के लिए। अगला जो छठा एडिक्ट है उसमें बात करते हैं कि राज्य की धम्म की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो उसमें अगेन वो धम्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि राज्य में धर्म को जो है किस तरह से लागू किया जाएगा बाय द स्टेट। तो स्टेट का एक बहुत बड़ा जो है इसमें आपको योगदान देखने को मिलता है। सातवां जो पिलर एडिक्ट है उसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि क्या कहते हैं अशोक ने क्या क्या काम किए। तो अपने जो है वेलफेयर एक्टिविटीज बताते हैं कि हमने जो सराय बनाए, हमने जो है वेट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए, हमने जो है फ्रूट के ट्रीज लगाए, ये सब चीजें वो बताते हैं, ठीक है। साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि सारे जो सेक्ट्स हैं उनके जो ले टॉलरेंस की बात करते हैं कि सभी जो धर्म है, सभी जो मत है, सभी जो संप्रदाय है उनके बीच जो है एक आदर्श होना चाहिए, वो क्या कहते हैं आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये आइडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सात पिलर एडिक्ट। अगले जो आपको मिलते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो आपको जो है अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ जो पहला जो रॉक एडिक्ट है उसमें जो है एनिमल स्लॉटर को बैन किया गया और फेस्टिव गैदरिंग, ठीक है, फेस्टिव गैदरिंग के लिए खास आपको जो है शब्द मिलता है जिसको कहते हैं समाज। मैंने आपको बताया समाज जो है उनको खास तौर पर उस चीज को मेंशन करते हैं। पर समाज उन्होंने क्यों कहा है, वो ये मानते थे कि समाज जो जनरली होते हैं उसमें लोग जो है अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पोटेंशियली जो है यहाँ पे जो राजा के खिलाफ है षड्यंत्र बनाने का भी काम हो सकता है। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए जो है बड़ी जो गैदरिंग थे उनको उन्होंने जो है बैन कर दिया कि जब तक लोग सुधरेंगे नहीं हम लोग इस तरह की गैदरिंग को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जानवरों और इंसानों के बीच जो है किस तरह से केयर करने की जरूरत है। ये एडिक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो है कई अलग अलग राजाओं की बात की जा रही है जहाँ पे जो है अशोक के साथ जिनका संबंध था, ठीक है। और यही कारण है जहाँ पे आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है साउथ के राजाओं का। दक्षिण भारत में आपको पता है तमिलकम कहा जाता था उस एरिया को, ठीक है। तमिलकम का जो एरिया है इसमें आपको तीन चार, ये हम लोगों ने लास्ट जो है क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है, ठीक है, आपको तीन चार जो है मेजर डायनेस्टीज का रेफरेंस मिलता है, ठीक है, आपको चेल चेर जो चोल चेर पांड्या, ठीक है, केरल पुत्र सत्योपुरा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज यहाँ पे तमिलकम में देखने को मिलती हैं। तो उनमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पांडे, सत्यपुरा और केरल पुत्र, इन तीनों का आपको रेफरेंस मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट 2 में, ठीक है। थर्ड है जिसमें ये बात करते हैं अपने अलग अलग ऑफिशियल्स की, ठीक है, जिसकी युक्ता की, प्रदेशिका और राजू का, ठीक है। ये तीनों को कहा जाता है कि आप जो है समय समय पर हर 5 साल में धम्म के प्रचार के लिए यात्राएं करें। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, लर्नेड पीपल का सम्मान करना चाहिए और उनको दान दक्षिणा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इम्पोर्टेंट है कि मेजर रॉकेट एक्ट में वो युक्ता, प्रदेशिका और राजुकाओं को ये हिदायत देते हैं, ठीक है। फोर्थ रॉकेट एक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो है आप धम्म घोष करेंगे, वेरे घोष नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कहते हैं कि हमको जो है युद्ध हम लोगों ने बहुत लड़ लिया है, ठीक है, अब हम जो है अपने आप को जो है धम्म के आधार पर जो सॉलिडिफाई करेंगे। तो ये इसको माना जाता है कि रॉक एडिक्ट 4 जो है एक पॉलिटिकल टूल है जिसके थ्रू वो बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है बिना वॉयलेंस यूज किए, बिना जो है पावर यूज किए हम किस तरीके से जो है राज्य को अब इस्टेब्लिश करने का ये बात करेंगे। पांचवा रॉक एडिक्ट धम्म महामात्यों की बात की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया धम्म महामात्य जो थे वो ऑफिशियल थे जिनको अशोक ने स्पेसिफिकली नियुक्त किया था कि ताकि वो जो है धम्म का प्रचार कर सके, ठीक है। अगला जो चीज है वो है स्लेव की ट्रीट, स्लेव को किस तरह, दास को किस तरह से। तो आपको जो है मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो अशोकन जो सॉरी जो मौर्यन एम्पायर है उसमें आपको कुछ खास तरह के दासों का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं कुछ सेंस में जो है
फोर्थ लेबर का रेफरेंस मिलता है, कोरवी का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको रेफरेंस मिलता है दास कर्मकारों का, ठीक है, दासों का, कर्मकारों का, कि दास है जिनको जो है काम पे लगाया गया, ठीक है। और ये भी कहा गया कि दास जो जो आपको मॉडर्न पीरियड में जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आपको दास का रेफरेंस मिलता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट फ्रॉम फ्रॉम द ग्रीक काउंटर पार्ट। मेगास्थनीज को स्लेवरी नहीं मानता था, ठीक है, लेकिन दास की बात जरूर की गई है, सर्विट्यूड की बात जरूर की गई है। यहाँ पर क्या कहते हैं, अशोक को उनके प्रति सही तरीके से बर्ताव करने की बात करता है, ठीक है। प्लस अगला जो एडिक्ट है, छठा रॉक एडिक्ट, उसमें राजा जो है ये बात करता है कि लोगों के बारे में जानने के लिए, क्या कहते हैं, लोगों के विषय में जानने के लिए कैसे जो है जरूरी है, क्या कहते हैं, उनके सामने जो है अलग अलग वेशों में, कई बार गुप्त वेश में भी जाना, ठीक है, उनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, और उनके जो है दया, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए काम करने की जरूरत है, तो उन्होंने अपने वेलफेयर पॉलिटिकल मेजर्स की बात करते हैं। सेवेंथ रॉक एडिक्ट में वो बात करते हैं टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, सारे धर्म के प्रति जो है आप जो है निष्ठा बनाए रखें, टॉलरेंस बनाए रखें, ठीक है, धर्म में जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एट्थ रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो बात करते हैं अगेन, यहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे मैंने जो है बोध गया में जो गए थे वो, ठीक है, तो कहते हैं कि बोध गया, उन्होंने उनको उन्होंने ये एक आइडिया दिया है कि हर कुछ सालों में वो जो है भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो जगहें हैं, ठीक है, उनको विजिट करेंगे, इनको धर्म यात्रा कहा था, धर्म यात्रा पे क्वेश्चन आई थिंक 2019 में आया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर 5 साल में वो धर्म यात्रा करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते जो है अशोक जो है बोध गया जाते हैं और बोधि वृक्ष को देखते हैं, ठीक है, आपको पता है बोधि वृक्ष इवेंचुअली जो है वो काट दिया गया था और आज के जो आज के टाइम पे वो ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो बोधि वृक्ष को विजिट किया जहाँ पे बुद्ध ने जो है शाक्य मुनि ने जो है अपना धम्म का क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। नाइन्थ रॉक एडिक्ट में अगेन वो कहता है समाज जो समाज है उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो गैदरिंग्स हैं ये जो है क्या कहते हैं लोग के अनैतिक आचरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो उनको काफी क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, ठीक है, और उनको सीरियसली निपटने का भी की बात करते हैं, ठीक है। टेंथ रॉक एडिक्ट में वो कहते हैं बुद्धिज्म का जो आइडिया है, ठीक है, कि हम लोग जो है मध्यम मार्ग अपनाएंगे, बहुत ज्यादा जो है वो नहीं करना है, ऐश्वर्य भोग विलास नहीं करना है, ज्यादा तप नहीं करना है, तो बेसिकली वो यही कहते हैं कि इंसान जो है बहुत ज्यादा उनको जो है इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो है पैसे के या सम्मान के पीछे नहीं भागना चाहिए, धम्म का पालन बेहतर तरीके से करना चाहिए, ठीक है, ये आपको 10th रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है। 11th रॉक एडिक्ट में वो बात करते हैं धम्म की अगेन, जिसमें अगेन वो बात करते हैं कि धम्म को किस तरीके से क्या क्यों इम्पोर्टेंट है धम्म का पालन करना, ठीक है, और धम्म के पालन से उनके समाज को, उनके जो इलाके हैं, उनका जो राज्य है तो क्या फायदा मिलेगा। 12th रॉक एडिक्ट में वो बात करते हैं रिलीजन और सेक्स की, अलग अलग सेक्स के प्रति निष्ठा की, ठीक है। 13th रॉक एडिक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 13th रॉक एडिक्ट इम्पोर्टेंस है अशोक के धम्म का, जो क्या कहते हैं बात करते हैं कलिंग युद्ध की, ठीक है, कि कलिंग युद्ध हुआ था उसमें जो है करीब वो कहते हैं कि 1.5 लाख लोग मारे गए, अब 1.5 लाख लोग मारे गए कि नहीं ये थोड़ा सा अतिशोक्ति हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उसे काफी आहत हुए और उसी कारण से वो जो है बात करते हैं कि अब हम जो है और युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी में आपको और भी एक रेफरेंस मिलता है, इसके साथ वो स्टार्टिंग में सारे रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने किन किन राजाओं को जो है हराया था, किन किन राजाओं के साथ उनके जो है एरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है एंटियोकस सीरिया में, टॉलेमी इजिप्ट में, सिरीन के मगा, एंटीगोनस मैकेडन, अलेक्जेंडर एपिरस, ठीक है, सारे आप देखोगे कि ये सारे जो है ग्रीक एम्पायर का वो थी, जब मैसिडोनियन एम्पायर, आप लोग को पता हो कि अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, तो उनके जो टेरिटरी था वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों में फैला था, अब वो जो टेरिटरीज हैं वो तीन जो हैं एंटियोकस, टॉलेमी वगैरह इन सब में बट गया था, ठीक है, तो ये सब जो है अलग अलग इलाके के राजा बन गए, ये आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। तो
यहाँ ये आपको क्या कहते हैं वो मिलेगा, क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर हैं उनको, उनने जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया ले लिया था, तो उनके साथ 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन एकेमेनिड रूलर्स के साथ, ग्रीक रूलर्स के साथ, तो उसी का जो है ये दर्ज कर रहे हैं कि इनका जो है ग्रीक रूलर से लेके जो है साउथ के जो रूलर है पांड्या चोल, ठीक है, इन सारे राज्यों के साथ इनका संबंध है। ठीक है, ये चीज आप, तो आपको पिलर एडिक्ट में देखने को मिलता है कि जो सॉरी रॉक एडिक्ट 2 में आपको देखने को मिलता है कि सरयू पुत्र पांड्य इन सब पर इनका रेफरेंस मिला है। ठीक है, और 13 में आपको रेफरेंस मिला है पांड्य और चोल और कहते हैं इजिप्शियन ग्रीक रूलर्स का। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। चौथा, 14वां जो है वो उसमें बात किया गया है, यहाँ पे वो बात करते हैं पॉस्टेरिटी की। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अलग अलग देश के जो हिस्से हैं वहां पर जो है आपको, आपने जो है अपने इंस्क्रिप्शन खुदवाए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं ताकि लोगों को आगे चल के लोगों को उससे फायदा हो, ये आपको रेफरेंस। थर्ड है माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है, छोटे जो आपको रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, जो आपको जो है 15 रॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 15 ऐसे देखने को मिलते हैं जितना अफगानिस्तान भी मिलता है, लेकिन अशोक जो है चार ही जगहों पे अपना नाम लिखते हैं, मतलब अशोक का जो नाम है वो आपको चार ही जगहों पे देखने को मिलता है, मस्की में, ब्रह्मगिरी, गुज्जर, नेटू, एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वो चीज़ है। तो बेसिकली ये जो रॉक एडिक्ट हैं बेसिकली इन्हीं इसी कॉन्टेक्स्ट में लोग ये जगहें जो हैं जानी जाती हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे आपको क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जो कि जिसमें एक इंस्क्रिप्शन हो, क्या कहते हैं कुछ खास इंस्क्रिप्शन होंगे, सारे इंस्क्रिप्शन नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे खास जो है इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे जिसमें जो है आपको सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कुछ खास क्या कहते हैं इस तरीके से आपको के इंस्क्रिप्शन जो है इम्पोर्टेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट जो है माना जाता है कि वो मेजर रॉक एडिक्ट से पहले के हैं। ठीक है, कई लोग ये भी मानते हैं कि एडिक्ट ही खुद का बनाना, इंस्क्रिप्शन वगैरह खुदवाना, ठीक है, ये शायद अशोक से पहले का भी रहा जाता रहा होगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये भी हो सकता है कि अशोक ने वो इंस्क्रिप्शन खुदवाए हों लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बनाए। ठीक है, तो कहते हैं कि कई सारे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं, जॉन इरविन टाइप के, जो ये मानते हैं कि अशोक के पहले भी जो है एडिक्ट देखने को मिलते हैं। राइट, ये आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ तक क्या कहते हैं आपको जो प्रोमिनेंट माइनर रॉक एडिक्ट हैं, ठीक है, वो जो आपको देखने को मिलते हैं जैसे इलाके हैं सासाराम है, ठीक है, आपको मस्की में देखने को मिलते हैं, सिद्धापुर में देखने को मिलते हैं, ये बैरात में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक बात है कि हम जब बात करें थे लैंग्वेज की, तो उसमें प्राकृत आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लेकिन आपको कुछ ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक इन जो माइनर रॉक एडिक्ट थे उनका बेसिक आइडिया क्या है, उनका जो है जो मेन विचार क्या है। ठीक है, उसमें बेसिकली वो बात कर रहे हैं अपने बुद्धिज्म से संबंध की। ठीक है, उसमें बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म से मेरा क्या संबंध था। ठीक है, कैसे मैं पहले ले फॉलोअर था। ठीक है, आपको पता है बुद्धिज्म में दो तीन तरह के अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं, एक कहते हैं उपासक। ठीक है, उपासक वो लोग होते हैं जो कि ले फॉलोअर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं सिर्फ पंचशील मानते हैं, कुछ ऐसे होते थे जो क्या कहते हैं सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह फॉलो करते थे, जो कहते हैं कि पहले मैं उपासक था और बाद में मैं कैसे जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, दूसरे माइनर रॉक एडिक्ट में वो कहते हैं क्या कहते हैं कि जो राजूकास हैं उनको जो है किस तरीके से लोगों को जमा करके ढोल बजा के ये सारे एडिक्ट की आपको रेफरेंस देना है। ठीक है, आपको जो है इसका प्रचार करना है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। बेसिकली तीसरे में वो ये बात करते हैं कि
कि कैसे जो है हमको ये इसका प्रचार करना है, धम्म का प्रचार करना है, ठीक है। ये आपको थर्ड माइनर ऑकेडिक्स, तो तीन में माइनर ऑकेडिक्स आपको प्रोमिनेंट इस कॉन्टेक्स में देखने को मिलते हैं, राइट। ये आपको क्या कहते हैं अशोकन अशोक के धम्मा के बारे में ये सारी चीजें कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ तक थ्योरी की बात है, ठीक है, सबसे मेजर जो थ्योरी मैंने आपको बताया इंडिजिनियस और डिफ्यूजनिस थ्योरी, प्लस आपको रोमिला थापर का मिलता है। रोमिला थापर एक किताब लिखती है तो कहते हैं अशोका एन एस धम्मा, ठीक है, अशोका एन एस धम्मा का आपको जो है रेफरेंस मिलता है, ठीक है। उसमें बेसिकली बात करती है कि कैसे जो है अशोक के जो मेजर वो हैं टेक्स्ट हैं, ठीक है, मेजर जो रेफरेंस हैं, ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे, ऑलरेडी बहुत बड़ा राज्य एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं, तो उनको जो है वो करने के लिए कंसोलिडेट करने के लिए। अच्छा, एक चीज शायद मैं हो गया, माइनर कुछ आपको माइनर पिलर एडिक्ट भी मिले, छोटे छोटे पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट देखने को मिले हैं। इसमें दो आपको जो है दो तीन मिलर पिलर एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है। एक अगर अशोक के जो है आपको जो आपको जो माइनर जो पिलर एडिक्ट हैं उसमें आपको कुछ खास जो है एविडेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इन पिलर एडिक्ट में जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जो क्या कहते हैं और इनका जो है क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। जो माइनर पिलर एडिक्ट है उसमें दो तीन एडिक्ट आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। एक वो कहते हैं स्किज्म एडिक्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्किज्म एडिक्ट। स्किज्म एडिक्ट जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी जो है जो भी व्यक्ति है जो बौद्ध धर्म के प्रति एक तरीके से वो करने का प्रयास करेगा, आलोचना करने का प्रयास करेगा, तो हम जो है उसको वो ठीक नहीं होगा, उसको जो है संघ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ये इस चीज की बात वो करते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, ओके। ये एक प्रोमिनेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो स्किज्मेटिक इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है, राइट। तो पहली इम्पोर्टेंट साइट है स्किज्मेटिक का, जो आपको सारनाथ सांची और अलाहाबाद में मिलता है, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि जो भी बौद्ध धर्म में संघ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको जो है निकाल दिया जाएगा। दूसरा है तो कहते हैं क्वीन एडिक, अलाहाबाद में पाया जाता है ये, जिसमें वो ये कहती हैं कि जहाँ भी जो है जब भी क्या कहते हैं वो डोनेशन करें, ठीक है, तो रानी के नाम पे डोनेशन किया जाए, दूसरी रानी के नाम पे कारुआ की जो है उस रानी के नाम पे जो है बाग में मोनेस्ट्री में आम के बागान इसमें जो है डोनेशन करवाए जाए। तीसरा आपको बहुत मेजर एडिक्ट मिलता है, एक बहुत प्रोमिनेंट एडिक्ट मिलता है जिसको लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, देखो रुमनदेही भी कहते हैं और निगाली सागर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो कहते हैं कि 20वें साल में उन्होंने जो है अपना बौद्ध धर्म को जो है वो कहते हैं लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो क्या कहते हैं इसमें ये लोग कहते हैं कि लुम्बिनी में वो जब गए थे तो उन्होंने जो है वहाँ के टैक्स माफ कर दिए, ठीक है, जो बलि है उसको माफ कर दिया और जो भाग है उसका वो 1/8 कर दिया। ये आपको लुम्बिनी में मिलता है। उसी से जुड़ा हुआ आपको मिलता है निगाली सागर में, इसमें ये बात करते हैं कि ये दोबारा गए थे, ठीक है, पहली बार 14वें साल में गए थे, दूसरी बार 20वें साल में गए, ठीक है, और उसी के आधार पे पिलर खुदवाया गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रोमिनेंट साइट देखने को मिलती है। तो आपको सारनाथ सांची अलाहाबाद रुमनदेही और निगाली सागर, ये आपको 5 मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ऐसे आपको पिलर एडिक्ट देखने को प्रोमिनेंटली मिलते हैं, राइट। अब हम सवाल पूछते हैं कि इन धम्म का मतलब क्या था, ये धम्म का क्या आइडिया था और कैसे वो मौर्य साम्राज्य जुड़ी हुई थी, और क्यों कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि बौद्ध धर्म उसके आने के कारण
धम्म के कारण ही बौद्ध धर्म का जो है आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों आपको जो है देखने को मिलता है? तो धम्म क्या था? पहली बार हमने आपको बताया धम्म का मतलब ये था कि क्या कहते हैं, कैसे जो है जिसको धारण किया जाए। ठीक है, ये एक तरीके से आपको रेफरेंस मिलता है ऐसी चीज का जो मॉरल कोड था। ठीक है, और लोगों को जो है एक तरीके से आचरण करने के लिए जो है आपको एक डायरेक्शन दिया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रेफरेंस दे ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस देखने को। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस है, ब्राह्मणिज्म का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलते हैं। इसका सामाजिक आर्थिक आधार क्या है? व्यापार बढ़ रहा था, राज्य अपनी ऑप्टिमम क्वालिटी पे लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, इस कारण से जो है आप देख रहे हो कि और जो है किसी तरह का जो है आपको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, धार्मिक आपको जटिलताएं देखने को मिल रही थी, नए नए सेक्ट्स आ रहे थे, तो उनमें जो है कंफ्लिक्ट भी पैदा हो रहे थे। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये इन कंफ्लिक्ट से बचने के लिए, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें निकल के आ रही है। राइट, नाउ अशोक का जो धम्म है उसने क्या क्या बेसिक बात की है, उसमें मेजर चीजें क्या कही गई है? पहली चीज तो ये कि जितने भी एडिक्ट हैं वो ऐसी जगहों पे किए हैं कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और वो बेसिकली लोगों तक पहुंचने के लिए प्रोक्लेमेशन के रूप में, लोग वो ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने आप से बात कर रहा था, वो लोगों से बात कर रहा था, वो जनता को सुनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये एक आपको चीज देखने को मिलती है। नाउ क्यों धम्म का जो है पालन किया गया? ठीक है, पहली बात कहा गया कि अशोक जो है मौर्य जो शासन व्यवस्था है उसको जो है संभालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो चाह रहा था कि मेरे राज्य में किसी तरह का पॉलिटिकल या रिलीजियस स्ट्रगल ना हो। तो ना सिर्फ बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक हिंदुइज्म, किसी के भी कोई स्ट्रगल ना हो। ठीक है, दूसरी चीज वो बेसिकली जो आइडिया दे रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि बुद्धिज्म को किस तरीके से बड़े स्तर पे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है बुद्धिज्म का प्रमोशन जो है अलग अलग एरियाज में किया। तीसरी चीज ये थी कि एक तरीके से प्रमोशन कर रहा था, लेजिटिमाइजेशन को कहते हैं इसको, टूल ऑफ लेजिटिमाइजेशन था कि अगर मैंने जो है कुएं खुदवाए हैं, मैंने जो है सराय बनाए हैं, मैंने जो है फ्रूट के ट्री लगाए हैं, ये सारी चीजें जो है वो ने इसमें रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र में ये मेंशन है कि तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए जब तक कि उससे कोई फ्यूचर में फायदा होने का आसार ना हो। लेकिन अशोक का जो अप्रोच है वो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, वो ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं राज्य का जो क्या कहते हैं प्रोमिनेंस होना, मतलब शासन का जो है बढ़ना ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक प्रॉफिट से। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो जैसे उनको कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं होने वाला, लेकिन उससे जो है उनकी राजतंत्र जो है इम्पोर्टेंट बड़ा होगा। ठीक है, अब धम्म के बारे में चार पांच बातें कही गई हैं। पहला कि अशोक जो है बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है और बौद्ध धर्म के पक्षपात होके उन्होंने जो है धम्म और बुद्धिज्म एक तरीके से सेम चीज है। दूसरी बात ये कही गई कि बौद्ध धर्म जिनको अशोक धम्म के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे। ठीक है, जैसे इस दिन बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि जो कलिंग का युद्ध हुआ तो उनको जो पीड़ा हुई, उनको जो रिमोर्स फील हुआ, ठीक है, उसके कारण वो बुद्धिज्म। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने बुद्धिज्म और को भारत में फैलाने का कोशिश किया। ठीक है, नाउ बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा उन्होंने वो तो किया, लेकिन जो उनका जो बेसिक जो कोर था वो मॉरल कोड था कि उनको जो दुख हो रहा था, उनको जो पश्चाताप वाली जो आइडिया है वहां से आपको देखने को मिलता। लेकिन साथ साथ अगर ये भी बात है कि अगर उन्होंने बुद्धिज्म को इतना ही वैल्यू दे रहे थे तो ये आपको उनके एडिक्ट में बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। भले वो बात करते हैं कि बुद्धिज्म के बीच बीच में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं किया कि कहते कि बाकी धर्मों को छोड़ दो या फिर उन्होंने बुद्धिज्म को ही पूरा वो दिया, ऐसा तो कुछ किया नहीं। उन्होंने तो बात सारे धर्मों के बीच टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो जो है सब धर्मों के सम्मान की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं था कि वो जो है खाली बुद्धिज्म से प्रभावित होकर चीज लिख रहे थे, राइट। अगला जो चीज है ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो अशोक जिस चीज की बात करो, धम्म की बात कर रहे हो, क्योंकि वो अशोक एक चीज की भी बात करते हैं कि ये बड़े बड़े जो आयोजन है समाज जो है नहीं होने चाहिए। तो कई लोग ये स्कॉलर ये भी कहते हैं कि वो रिचुअल से खिलाफ थे, क्योंकि बुद्धिज्म में एक बहुत मेजर आइडिया है रिचुअल्स का, तो कहते हैं कि वो रिचुअल्स को काफी हद तक क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इसी कारण है कि वो जो है मॉरल कोड की इसलिए बात कर रहे थे कि ताकि जो है लोग रिचुअल्स में ना फंस के, रीति रिवाजों में ना फंस के धम्म की बात करें, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। अगला जो आइडिया दिया गया है कि बेसिकली रोमिला थापर ये कहती है कि उस टाइम की सामाजिक और राजनीतिक जरूरत थी धम्म का प्रतिपादन करना, ठीक है, ये एंटी ब्राह्मणिकल नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण और श्रमण दोनों परंपराओं को वैल्यू दे रहे थे, उनको जो है और राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है वो करते हैं, ठीक है। और ये भी आपको देखने को मिलता है कि अशोक जब जब जरूरत होती है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बात करते हैं। अशोक ने भले ही बात की होगी अहिंसा की, उन्होंने अपनी सेना का भी खत्म नहीं की, उनकी सेना वहीं की वहीं मौजूद रही। साथ ही साथ जो अटाविक हैं, जो वन के जो लोग हैं, उनके बारे में तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इनको अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना हमको जो है इनके खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो मेजर आइडियाज हैं ये आपको बताते हैं कि अशोक का जो धम्म है वो एक बुनियादी कोई विचार नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग विचार जो है सम्मिलित, ठीक है। ये आपको क्या कहते हैं अशोक के धम्म के बारे में एक मेजर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अशोक का धम्म हो जाता है, राइट। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर अशोक का टाइम पीरियड क्या था? अशोक का, देखो अशोक के शासन का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 268 से लेकर 232, 268 to 232। अच्छा, इससे मुझे याद है एक जो एंटी ब्राह्मणिकल स्टैंड था उसमें ये भी कहा जाता है कि अशोक के धर्म के कारण बौद्ध धर्म मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि एक आइडिया ये कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया, जिस कारण ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए, और पुष्यमित्र शुंग जिसने जो है आखिरी मौर्य शासक को खत्म किया था बृहद्रथ को, वो एक ब्राह्मण था, ये एक बात कही जाती है। दूसरी बात ये कही जाती है कि उन्होंने जो है हिंसा छोड़ दी, लेकिन उन्होंने जो है आर्मी नहीं छोड़ी, जिसके कारण बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था राज्य पे, जिस कारण राज्य का डिक्लाइन हो गया। ये भी एक नजर आई गया 268 से 232 BC, ये टाइम पीरियड माना जाता है अशोक का शासन का। और जहां तक बात है जन्म का, तो उनका जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व, 304 BC से लेके 232 BC, ठीक है। ये बता सर जी, सर अशोकन धर्म एंड अशोकन धर्म इन दोनों में डिफरेंट क्या है? नहीं है, धम्म जो है वो क्या कहते हैं प्राकृत शब्द है, धर्म जो है संस्कृत शब्द है। अगर आपको आज के टाइम बोलेंगे तो धर्म बोलेंगे, जो क्योंकि ये जो एडिक्ट है प्राकृत में लिखे गए। मैंने आपको बताया था कि जो है आपको अर्ध मगधी शैली देखने को मिलती है, मगधी, सौराष्ट्री, शोरसेनी, ये तीन तरह की शैलियां पाई जाती थी प्राकृत में। तो जब आप लहजे किसी डायलेक्ट में बोलते हैं तो वो जो है शब्द अलग होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्तूप को थूप कहते हैं इन ग्रंथों में, तो वैसे धर्म को धम्म कहते हैं, ठीक है, वो प्राकृत में बोला गया, संस्कृत में बोलेंगे तो धर्म बोलोगे। अगर आप बोल रहे हो कि धर्म का आइडिया किस तरह से डिफरेंट था जो ब्राह्मणिकल धर्म का आइडिया है, तो बहुत अलग अलग चीजें उसमें देखने को मिलती है। जो हमारा जो 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 क्या कहते हैं आपको बुद्ध का धर्म देखने को मिलता है, वो भी एक तरीके से मॉरल कोड है, वो भी एक आइडिया इस चीज से जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म में जो धर्म का आइडिया है उसमें कई सारे, उसमें वो जो है कॉन्टेक्चुअल धर्म है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म से वैसे जुड़ा भी नहीं है। जब आप धर्म की बात करते हो उसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बाद में यूज किया गया है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो सवाल उठता है कौन सा धर्म, आपको बहुत सारे अलग अलग धर्म मिलते हैं, आपको जो है मानव धर्म मिलता है, आपको जो है आपद धर्म मिलता है, आपको क्या कहते हैं वर्णाश्रम धर्म मिलता है, आपको आश्रम धर्म मिलता है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि आप जो है जब धर्म की बात कर रहे हो तो उसका क्या है। तो जो हम जब धर्म की जब हम बात करते हैं तो डीओंटोलॉजिकल आइडिया कहते हैं,
डियोन्टोलॉजिकल है, सोटेरियोलॉजिकल कम है, ठीक है। ये आपको एक चीज देखने को मिलती है, धम जो है वो क्या कहते हैं, वो भी थोड़ा सा डियोन्टोलॉजिकल है और थोड़ा सोटेरियोलॉजिकल। डियोन्टोलॉजिकल हो, डियोन्टोलॉजी का मतलब होता है अपने कि आपको किसी उसकी पूर्ति करनी है, किसी कार्य की पूर्ति करनी, ठीक है, कि मेरा ये धर्म बनता है, तो ये जो है वो धर्म का आइडिया है। दूसरा है जब आप किसी रिलीजन की बात करें, जब आप कहते हो ना कि धर्म की स्थापना हो गई, तो सोटेरियोलॉजिकल है, जहाँ पे आप कल्ट की बात करते हो, तो ये एक मेजर चीज है। तो दोनों उसमें जो है प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, लेकिन जो धर्म है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल है कि आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो, आप जो है वर्ण आश्रम धर्म की बात कर रहे हो, आप जाति धर्म की बात कर रहे हो, आप जो है मॉरल कोड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार धर्म की परिभाषा और धर्म के मायने जो है बदलते रहेंगे। जब आप अशोक के धर्म की बात कर रहे हो, तो अशोक का धर्म एक खास तरह का आइडिया है, जो थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म से प्रभावित था, थोड़ा बहुत जो है मॉरल कोड से इन्फ्लुएंस। थैंक यू वेरी मच।